दोस्तों सब्सक्राइब कीजिए लेटेस्ट न्यूज चैनल को और बेल आइकॉन पर क्लिक करें मेरी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। दोस्तों जैसा कि आप सब जानते हैं कि जियो ग्राहकों के लिए जहां कंपनी नए नए प्लान लॉन्च कर रही है, वहीं प्राइम यूजर्स के लिए बुरी खबर है। 31 मार्च के बाद जियो की फ्री सर्विसेज बंद हो जाएगी। ऐसा इसलिए होगा क्योंकि 31 मार्च 2018 को जियो की प्राइम मेंबरशिप खत्म हो रही है। आपको याद दिला दें कि 21 फरवरी 2017 को मुकेश अंबानी ने जियो प्राइम मेंबरशिप लॉन्च की थी, जिसे लेने की अंतिम तारीख 31 मार्च थी। हालांकि कंपनी ने बाद में इसे बढ़ाकर 15 अप्रैल 2017 कर दिया था। प्राइम मेंबरशिप की वैधता 1 साल की थी। अगर आपने 14 अप्रैल 2017 को भी यह मेंबरशिप ली थी तो भी ये 31 मार्च 2018 आपकी मेंबरशिप खत्म हो जाएगी। जियो प्राइम मेंबरशिप के साथ जियो एप्स जैसे जियो टीवी, जियो म्यूजिक, जियो सिनेमा जैसी 10,000 रुपए की एप्स फ्री मिली थी। मेंबरशिप के अलावा उन्हें अलग से जियो का बेस प्लान लेना पड़ा था। हालांकि अभी तक कंपनी की ओर से मेंबरशिप खत्म होने के बाद यूजर्स को क्या करना है इसकी जानकारी नहीं दी गई है। जानकारी के मुताबिक यूजर्स को इस मेंबरशिप को चालू रखने के लिए फिर से प्लान लेना होगा। खबरों की माने तो कंपनी जियो प्राइम मेंबरशिप का अमाउंट बढ़ा सकती है। गौरतलब है कि जियो प्राइम मेंबरशिप की शर्त थी कि ये 31 मार्च 2018 को खत्म हो जाएगी। अब इसके लिए यूजर्स कभी भी मेंबरशिप ली हो वे 31 मार्च को ही खत्म होगी। बाद में मेंबरशिप लेने वाले ग्राहकों एक टेंशन का फायदा नहीं मिलेगा। कंपनी इस मेंबरशिप को 31 मार्च के बाद बढ़ा सकती है, लेकिन इसके लिए कोई बयान नहीं आया है। साथ ही इसकी कीमत को लेकर भी संशय है कि ये बढ़ सकती है।